subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई में माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्रों के नियमों के उल्लंघन करने वाले 5 सोसाइटी के खिलाफ एनएमसी ने की दंडात्मक कार्रवाई। शहर में कोरोना के बढ़ते प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए नियंत्रण क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंध उपायों पर करीब से ध्यान देने के महत्व को देखते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने कहा है कि 6 विभागीय कार्यालय हैं और सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया है। सोसाइटी में कंटेनमेंट जोन के नियमों को पालन की जिम्मेदारी है और यह 5 अप्रैल 2021 के आदेश के द्वारा सोसाइटी के पदाधिकारी को सौंप दिया गया है। इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि अगर किसी सोसाइटी में 5 से अधिक कोरोना के मरीज हैं तो सोसाइटी को एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। ऐसे में माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित होने के बाद सोसाइटी में किसी भी नागरिक का प्रवेश या निकास निषिद्ध है। इस नियम के उल्लंघन के मामले में सोसाइटी पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अगर दूसरी बार ऐसी स्थिति आती है तो 25,000 और तीसरी बार 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बेलापुर डिवीज़न में सेक्टर 25, नेरुल में विजयगढ़ सोसाइटी, वासी डिवीज़न में सेक्टर 1 गणेश टावर और घनसोली डिवीज़न में सेक्टर 6 में महावीर मल्हार सोसाइटी और साथ ही टर्फ डिवीज़न में सेक्टर 9 सानपाड़ा में मिलेनियम टावर ए और A5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन करते हुए जोन 2 भवन, इस प्रकार कुल 5 सोसाइटी हैं, इनके ऊपर 10,000 की कार्रवाई की गई है। साथ साथ सेक्टर 15B टाइप में घर के चल रहे निर्माण पर काम करने वाले मजदूरों के कोरोना का प्रशिक्षण नहीं किया गया है, उनके ऊपर भी 10,000 की दंडात्मक कार्रवाई की गई है। ऐसी जानकारी नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अभिजीत बांगर ने दी है। आवाज टुडे पंकज बनवंशी की रिपोर्ट, नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।